नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डुफालैक्स सिरप के बारे में। सो गाइस, ये जानेंगे कि अबॉट हेल्थ केयर द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स डुफालैक्स सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके मार्केट प्राइस क्या होते हैं और इसमें कौन सा साल्ट मिला होता है, और जो है इस सिरप का जो है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी इस सिरप को किन किन बीमारियों में पेशेंट को नहीं दिया जाता। सो गाइस, यदि आप इस जानकारी को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डुफालैक्स सिरप के साल्ट के बारे में कि इसमें कौन सा साल्ट मिला होता है। दोस्तों, इसके साल्ट की बात की जाए तो इसमें लैक्टुलोज केमिकल्स मिला होता है। बात की जाए दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ जो है कब्ज वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा करवाया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कब्ज वाली प्रॉब्लम होती है, उन्हें मल त्याग करते समय काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका जो मल होता है वो उनके इंटेस्टाइन में यानी उनके आंतों में ही सूखने लगता है, तो उस कंडीशन में उन्हें ये होता है कि मल त्याग करते समय उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में आप डुफालैक्स सिरप का यूज़ करें, और डुफालैक्स सिरप जो होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है ऐसे पेशेंट के लिए। और दोस्तों, इसका यूज़ जो है कुछ पाइल्स के पेशेंट होते हैं, यानी कुछ बवासीर के पेशेंट होते हैं, कुछ भगंदर के पेशेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में यदि उनका मल सूख जाता है तो उस कंडीशन में ये होता है कि उन्हें मल त्याग करते समय काफ़ी बर्निंग महसूस होती है, काफ़ी दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी आप डुफालैक्स सिरप का यूज़ करें। यह सिरप काफ़ी इफेक्टिवल होता है ऐसे पेशेंट के लिए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में कि इसका मार्केट प्राइस क्या हो सकता है। दोस्तों, यदि आप इसे एबॉट कंपनी में 100 ml में परचेस कर रहे हो तो यह आपको 154 या फिर 55 रुपीज़ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। अब बात की जाए दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग महसूस होना, या फिर पेशेंट को एब्डोमेन पेन होना, या फिर पेशेंट को जो है गैसोस प्रॉब्लम, ये जो है नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, बट ऐसे साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। दोस्तों, इसके कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो जैसे कि पेशेंट को, यदि पेशेंट जो है शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर और हनी मिला होता है, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो लैक्टुलोज यानी डुफालैक्स सिरप का यूज़ ना करें। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, यानी उनका बीपी लेवल प्रॉपरली बढ़ा रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप डुफालैक्स सिरप का यूज़ ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसे कंडीशन में जो है डुफालैक्स सिरप का यूज़ करते हैं तो जो है आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।